बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, इसका नाम मोहम्मद मुरसल है, जो सऊदी अरब के नजरान के इलाके का एक शहरी था। उससे एक कत्ल हो गया, अदालत ने उसे कत्ल के बदले कत्ल का सज़ा सुना दी। तो मेरे भाई, उसके कबीले के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और वरसा के मकतूल के वरसा के घर के पास पहुंच गए और उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए, अपने सर के ताज उतार दिए और बहुत सारे दियत लेके पहुंच गए और बोले कि हमारे आदमी को माफ़ कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने माफ़ नहीं किया और उन्होंने कहा कि कत्ल के बदले कत्ल होना चाहिए। तो मेरे भाइयों, ये लोग बहुत मतलब के इकट्ठे हो के वहाँ पे कसीदे पढ़े और बहुत सारे शेर व शायरी करने लगे और माफ़ी मांगे, लेकिन उन्होंने ये सबका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरे भाइयों, इसके बारे में कुरान क्या कहता है वो आज हमें बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए। बिना किसी ताखिर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, अहले ईमान, तुम पर अल्लाह ताला ने ये फर्ज कर दिया है कि क़िसास लो फिल क़त्ला, कत्ल के मामले में, यानी ये बदला लेना ये अल्लाह ताला ने एज एन ऑब्लिगेशन शरीयत का हिस्सा बनाया है। किस लेवल का बदला? अल हुर्रु बिल हुर्र, आजाद के बदले आजाद कत्ल होगा। अब ज़ाहिर है गुलामी का दौर था, अगर किसी आजाद बंदे ने किसी गुलाम को मार दिया, अब जिसने मारा है कातिल, उसी कातिल को कत्ल किया जाना चाहिए ना। तो वो कहता था, अच्छा मैं गुलाम खरीद के तुम्हें दे देता हूं, मेरे बदले में इसे कत्ल कर दो। देखे ना, तो इसलिए अल्लाह ने कहा ये क्या इंसाफ हुआ, आजाद के बदले में आजाद कत्ल होगा, जिसने मारा है ना वो ही मारा जाएगा उसके बदले। वलअब्दु बिलअब्द, और गुलाम के बदले गुलाम, गुलाम के बदले गुलाम का मतलब है कि एक गुलाम ने अगर किसी को मार दिया है तो उसके बदले वही गुलाम कत्ल होगा, ये नहीं है कि कोई और गुलाम। यही तो हम कहते हैं जो हमारे यानी एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविटीज करने वाली तंजीमें होती हैं, वो जब कभी गैर मुस्लिमों के ऊपर हमला करती हैं तो वो कहते हैं कि जी हम प्ली ये ले रहे हैं कि जो है वो इस मुल्क ने फलां जगह अपनी फौजें भेजी हैं तो हम उसके मुकाबले पे इनके शहरियों को निशाना बनाएंगे। तो कुरान तो इसकी इजाज़त नहीं दे रहा, कुरान तो इंडिविजुअल लेवल पे भी इजाज़त नहीं दे रहा कि एक बंदे के बदले दूसरा बंदा कत्ल नहीं हो सकता। चे जाए कि अमेरिका कहीं पर फौज भेज रहा है और आप अमेरिका के शहरियों को मारना शुरू करते हैं, इस चीज़ की कोई इजाज़त नहीं, इस्लाम में जायज़ नहीं। वल उन्था बिल उन्था, और औरत के बदले औरत कत्ल होगी। ये नहीं है कि किसी की बीवी ने किसी और औरत को कत्ल कर दिया तो अब वो कह के इसके बदले में, मैं तो चूंकि आजाद औरत हूं तो मैं एक कोई लौंडी खरीद के दे देती हूं, तुम मेरे बदले में उसे कत्ल कर दो, ये नहीं होगा। अभी आने वाला है, यानी कत्ल के बदले में जो कत्ल उजरत दे के फमन उफिया लहू मिन अखीही शैउन। अब एक अल्लाह ताला एक यानी एक ऑप्शन दे रहा है इस हवाले से, बस जिसको माफ की जाए उसकी भाई यानी मकतूल के वारिस की तरफ से कोई चीज, फत्तिबाउ बिल मारूफ, तो उसे चाहिए कि वो तलब कर सकता है, मकतूल का वारिस जो है वो तलब कर सकता है क्या, व अदाउन इलैही बि एहसान, वो क्या तलब करेगा, दियत तलब करेगा, और वो जो दियत तलब करना है वो होगा दस्तूर के मुताबिक, यानी इसके लिए कोई चीज़ मुकर्रर नहीं की गई है। लेकिन अगर आप अहदीस में हैं तो सुन नबी दाऊद में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक ज़माने में पहले से एक दिए चल रही थी, उसी को इस्टेब्लिश किया है कि 100 ऊंट दिए जाएंगे या उसकी मालियत। सर 100 ऊंट आज के भी आप देख लें कम अज़ कम 2-2.5 करोड़ रुपया बन जाता है, एक नॉर्मल ऊँट 2 लाख रुपये का तो होता ही है ना, बैल 1.5 लाख तक पहुँच चुके हैं, 1 लाख तक। तो अब ये हुकूमतें हमारी क्या करती हैं जी, जख्मियों के लिए 5 लाख और मरने वालों के लिए 25 लाख, ना दिए जो है कम से कम होगी 2 करोड़ आज की डेट में। 100 ऊंट जब भी, यानी आप कीमत उसकी कैलकुलेट करते रहे, 100 ऊंट का प्राइस होना ही चाहिए। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमा, ये तुम्हारे रब की तरफ से रियायत है और रहमत है।
यानी रियायत दे दी गई है, अगर कोई शख्स यानी चाहता है कि अपने यानी मकतूल के बदले में कातिल को माफ करना चाहे तो उसके एवज उससे खून बहा ले सकता है माल की फॉर्म में, और ये भी इजाजत है, प्रेफरेबल नहीं है, वो आगे आ जाएगी। प्रेफरेबल यही है कि कत्ल के बदले कत्ल हो ताकि डेटर्स हो, प्रेफरेबल नहीं है इसके लिए उन्होंने। तो ये अल्लाह की तरफ से एक आसानी है और रहमत है। फमन इतदा बादा ज़ालिका फलहू अज़ाबुन अलीम, तो जो कोई ज्यादती करे इसके बाद तो उसके लिए है दर्दनाक अजाब। औलियाउ बिललाह तआला वलकुम फिल क़िसासि हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून, और ए अकलमंदो तुम्हारे लिए क़िसास लेने में ही जिंदगी छुपी हुई है मुआशरे की ताकि तुम अल्लाह से डर सको। ये वो जो बात आ गई कि ऑप्शन जरूर दे दिया कि आप खून बहा ले सकते हैं, लेकिन कहा कि ये ऑप्शनल है, कत्ल के मुकदमे की पैरवी होनी चाहिए और कातिल को मकतूल के बदले में टांगा जाना चाहिए, वरना तो फिर कातिल अगर दंदनाते फिरेंगे इस तरीके से तो फिर मुआशरे में नारकी फैल जाएगी। जिस मुआशरे में एहतराम जान एहतराम माल नहीं होगा वो माशरा कैसे कायम रह सकता है। तो कहा गया कि पूरी इंसानियत की जिंदगी छुपी हुई है इसके अंदर, जाहिर है पूरी इंसानियत की है, जब एक आप बेलगाम लोगों को छोड़ देंगे तो माशरा तो फिर बनाना रिपब्लिक्स बन जाएंगे। इसका क्लाइमेक्स तो आगे चल के आएगा जनाब सूरह अलमायदा की आयत नंबर 32 में कि जिसने एक जान को नहक कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और जिसने एक जान को बचा लिया उसकी जिंदगी बचा ली गोया पूरी इंसानियत को बचा लिया। समझ में आया? सूरह अन-निसा के अंदर आएगा कि जो शख्स भी जानबूझ के किसी को कत्ल करता है ना उसकी जजा हमेशा की जहन्नम है, हमेशा की जहन्नम। ये कत्ल का मामला बड़ा क्रिटिकल है जनाब। सुन अबी दाऊद में हदीस है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला या तो शिर्क को माफ नहीं करेगा या फिर अगर किसी मुमिन को किसी ने ना हक कत्ल किया ये गुनाह माफ नहीं करेगा, इसके सिवा जितने गुनाह हो चाहेगा माफ कर देगा। लिहाजा ये जो आयत है ना सूरह अन-निसा में आयत नंबर 48 और 116 जो दो दफा आई है, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिह व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, बेशक अल्लाह इस गुनाह को कभी माफ नहीं करेगा कि कोई शख्स उसके साथ शिर्क करते हुए दुनिया से चला गया, इसके सिवा जितने गुनाह है माफ कर देगा जिसके लिए चाहेगा। यानी वहां पे भी ओपन लेसेंस नहीं है, चाहेगा तो माफ करेगा अगर नहीं चाहेगा तो नहीं माफ करेगा। तो वो कौन सा ऐसा गुनाह हो सकता है कि जो वो ना चाहे कि माफ किया जाए, वो कत्ले नाहक है। सही बुखारी में हदीस है जिसने एक जिम्मी काफिर को भी नाहक कत्ल कर दिया, यानी जो इस्लामी हुकूमत में टैक्स देकर रह रहा था, तो ऐसा मुसलमान जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा हालांकि जन्नत की खुशबू 40 साल की मुसाफत से आ रही होगी। यानी क़यामत का 50,000 साल का दिन है कुरान में आया, तो उस 50,000 साल में जब 40 साल बाकी रह जाएंगे ना तो जन्नत की खुशबू आना शुरू हो जाएगी, लेकिन उस शख्स को जन्नत की खुशबू भी नहीं आएगी जिसने किसी काफिर को नाहक कत्ल कर दिया किसी इस्लामी हुकूमत के अंदर। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है क़यामत वाले दिन सबसे पहले जिस मुकदमे का फैसला होगा वो कत्ल का मुकदमा है। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी शख्स का एक मुमिन को कत्ल करना अल्लाह के नज़दीक ऐसा ही है गोया कि वो पूरी दुनिया को तबाह व बर्बाद कर दे। तिर्मिज़ी और इब्ने माजा में हदीस है, मौकूफ़न भी है और मरफून भी है, मौकूफ़ रवायत ज़्यादा मजबूत है कि अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं कि काबा तेरी खुशबू बड़ी अच्छी है लेकिन एक मोमिन की दिल की हुरमत अल्लाह के नजदीक तुझसे भी ज्यादा है। अबू दाऊद में हदीस है कि क़यामत वाले दिन मकतूल अपने कातिल को पेशानी के बालों से घसीटता हुआ अल्लाह के अर्श के करीब चला जाएगा, इतना वो अल्लाह के करीब हो जाएगा इस हाल में कि वो मकतूल उसकी रगों से खून बह रहा होगा और उसने अपने कातिल को पेशानी के बालों से यूं घसीट रहा होगा और कहेगा या अल्लाह इसने दुनिया में मुझसे जिंदगी छीनी थी मुझे आज बदला चाहिए। जाहिर है सबब तो वही बना ना, वैसे तो इंसान की जिंदगी मुकर्रर है जितनी है, लेकिन
जिसके थ्रू एग्जीक्यूट हो रही होती है उसने तो उस जुर्म में यानी बदला तो उसका उससे लिया जाएगा। और सुन्निसाई में आगे अल्फाज हैं, वो सहाबी कहते हैं कि ऐ हुक्मरानों कत्ल में किसी की मुआवनत मत करो, यानी वो उन्होंने स्पेसिफिकली हुक्मरानों को ये बात सुनाई है क्योंकि हुक्मरानों के दिमाग में ज़्यादा कीड़ा होता है ना कि अपने से इख्तलाफ करने वालों को कत्ल करवा देना, जिस तरह आले उमैया आले अब्बास करते रहे। आज तो बड़ा मुबारक दौर है, आजकल तो यानी आप प्राइम मिनिस्टर को गालियां भी निकालते रहते हैं तो वो कोई नहीं मारा जाता बंदा, लेकिन जब बादशाहत का दौर था उस वक्त तो वो इख्तलाफ राय पर भी कत्ल कर देते थे। तो कत्ल के ऊपर मुआवनत ना करो, यानी जो हुक्मरान है उनसे पूछा जाएगा एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग मावराय अदालत कत्ल के ऊपर, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, लोग इसे बड़ा हल्का जान रहे होते हैं लेकिन अल्लाह ताला के हुजूर ये बहुत ही सख्त मामला है। कुल अऊज़ु बिल्लाहि तआला, अल्लाह ताला हमें। तो मेरे भाइयों उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, वो मोहम्मद बिन मुरसल के जो कातिलीन मतलब कत्ल के जो वरसा हैं उन्होंने जाके बहुत इकट्ठे होके जो वहाँ पे जाके उन्होंने माफ़ियाँ मांगी, सारे लोग सारे दुनिया के लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि उनको माफ़ कर देना चाहिए उनको बख्श देना चाहिए लेकिन हम लोग या फिर उनको छोड़ देना चाहिए लेकिन के वरसा पर हम लोग मलामत नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें इख्तियार दिया है, वो उनका इख्तियार है, वो चाहे तो छोड़ दें चाहे तो वो उनको गिरफ्त करें या चाहे तो वो ये मतलब के सवाल करें कि हमको कत्ल के बदले कत्ल ही चाहिए। तो मेरे भाइयों क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके माफ़िया मांग रहे थे और अपने कमज़ोरी का एहसास कर रहे थे अपने गलतियों का एहसास कर रहे थे लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि उनको इसके बदले में उनको छोड़ देना चाहिए, इतना बड़ा कबीला आ गया छोड़ देना चाहिए, ना ही हम लोग कुछ भी कह सकते हैं कातिलीन यानी वो जो मकतूल के वरसा के बारे में। तो मेरे भाई उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये बात और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इसी तरह 1400 साल पहले जो है इंसाफ होता था और आज भी हम लोग ये देख रहे हैं कि वहाँ पे उस सरजमीन में यानी सऊदी अरब में और इंसाफ यानी बराबर इंसाफ आज भी हो रहा है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई कोई बादशाह जो है वो ये कह दे कि नहीं ये इतने सारे लोग आए हैं तो इनको छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं है, वो जो मकतूल के जो वरसा हैं उनको इंसाफ चाहिए तो चाहिए, उनको वो बोल दिए हैं कि कत्ल के बदले कत्ल चाहे वो बादशाह भी हो वो भी माफ़ नहीं कर सकता। तो मेरे भाई ये बहुत अच्छा लगा सऊदी अरब का ये वाला जो कानून और आज तक उन्होंने इस कानून को बरकरार रखे हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ है इसी तरह कानून जो है नाफिज होना चाहिए कयामत तक का। तो मेरे भाई उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारा नया चैनल है हिदायत का रास्ता उस पर 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जल्दी जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। न्यू चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है।